ये भाई जी देखा ये खुनवा बनावे जाते लहसुन उखाड़ के हरियर आ एमन मरचा नाई नून नाई आई हरियर पत्ता रही तनी खटाई ना जे आ एक दाल भात के वही दाली में ना के खैबा खान के धर देब तो भैया कितना बढ़िया लगी। जहाँ एक रोटी खाए के तहाँ दो रोटी खा ले लोगन इतना बढ़िया एक बना लग महीना साल भर रख दे तब वो खराब ना होला। अपन दाली में ना के इतना 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 खाए करिया जहाँ दो रोटी खाए के तहाँ चार रोटी खाई कितना बढ़िया लगा ला। नूनो रोटी रोटी से खनुआ से रोटियों खा ले भातों में ना के दाल भात खा ले खूब बढ़िया चटक लगी। भाई जी नमस्कार। दोस्तों नमस्ते, स्वागत है दीदी की रेसिपी में। और ये है मेरी अम्मा जी यानी मेरी सासू माँ। तो ये आपसे शेयर करने वाली है हरे मिर्च हरे लहसुन की। तो ये हमारे खेतों से लहसुन उखाड़ के आया है तो इसका ये अचार बनाने वाली है। और ये इसे रख देंगे हम इसकी सब्जी बनाने के लिए, मतलब यूज जो करते हैं हम। और इसका बनाएंगे ये अचार। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आज बनेगा खुनुआ बोलते हैं खुनुआ बोला जाता है। तो वो लहसुन के पत्तों का अचार बनेगा उसे खुनुआ कहते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप जरूर ट्राई करना लहसुन के पत्तों का अचार यानी कि खुनुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके हाथों का खुनवा सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि मम्मी लोगों के हाथों का जो स्वाद होता है ना बहुत ही अलग होता है, अच्छा लगता है। मम्मी बनावा भाई करो मम्मी लेना। हाँ किसी की भी माँ बनाए। यहाँ भी इन्होंने लहसुन के पत्तियों को साफ कर लिया है अब पहसुल पे। इनके हाथों का खुनवा सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि मम्मी लोगों के हाथों का जो स्वाद होता है ना बहुत ही अलग होता है, चाहे वो किसी की भी माँ बनाए सब अच्छा लगता है। मम्मी बनावे भाई करो मम्मी लेना। हाँ किसी की भी माँ बनाए। तो यहाँ पे दोस्तों खुनवा बनाने के लिए चीज़ें हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। तो इन 2 इंच अदरक का मैंने टुकड़ा लिया है और यहाँ पे 200 ग्राम के तकरीबन मिर्ची है और यहाँ पे हमने सभी लहसुन के पत्ते को अच्छे से धो लेना ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए और इसे फैला देना अच्छे से ताकि इसका पानी भी झड़ जाए। आप यहाँ पर छन्नी पर रखेंगे तो और अच्छे से झड़ जाएगा। तो हम इसे पकाने वाले हैं तो पानी ऊपर उड़ ही जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इनको सुखा लेना है, अच्छे से पानी झाड़ लेना है। तो सामग्री में मैंने अदरक पहले दिखा दिया था। यहाँ पे मिर्ची का अचार मैंने 2 लिया है। आप यहाँ पे आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। इसमें हम अदरक के टुकड़े डालेंगे, इसे अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इस अचार में। और हम मिर्ची को अच्छे से सॉटे कर लेंगे, मतलब अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ढक देंगे हम ताकि इसके फ्लेवर इसके अंदर ही रहे और ज़्यादा खांसी ओसी ना आ जाए। तो इसके लिए हम थोड़ा इसे ढक देते हैं। तो इसे पकाने के बाद फ्राई करने के बाद हम ये जो मिर्ची लहसुन के पत्ते हैं इसे भी भुनेंगे हम ताकि इसका पानी जो है ना एकदम निकल जाना चाहिए। तेज आंच पे हम इसे भूनेंगे ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे अच्छे से, तब हमारा जो अचार बनेगा वो लंबे समय तक टिकेगा।
तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसे अच्छे से हमें भून लेना है, और इसकी सेल्फ लाइफ आगे भी कैसी बरकरार रहे ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने अचार पक गया है तो इसे हम फैला देते हैं बड़ी सी थाली में, और इसे अब ठंडा होने के बाद ब्लेंडिंग जार में पीसेंगे। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तभी ब्लेंडिंग जार में पीसना है। और यहाँ पे मैंने मिर्ची का अचार और थोड़ा सा नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैंने ये सिरका लिया है, हमारे घर का सिरका है, इससे ये ख़राब नहीं होगा। अचार आप कितने भी दिन रखेंगे यही इसकी खासियत है कि ये सिरके से ख़राब नहीं होगा। और अच्छे से पीसने के बाद यहाँ पे हमारा खुनुआ बनके रेडी हो गया है।